हेलो मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 0 to 6 मंथ की जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनका वज़न कैसे बढ़ाएं। अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो क्या हमें करना है कि बच्चे का वज़न बढ़े। और ये जो वीडियो है हम कैटेगरी वाइज बनाएंगे, इसीलिए आज जो हमने बात करेंगे वो 0 to 6 महीने के बच्चे की बात करेंगे, इससे कि अगली वीडियो हम 6 to 1 साल के बच्चे की बात करेंगे। तो हम इस वीडियो में कर रहे हैं 0 to 6 मंथ के बच्चे की बात। 0 to 6 मंथ की जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीड पे होते हैं, वो पूरी तरह से ब्रेस्ट फीड पे डिपेंडेंट होते हैं। तो आपको उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पूरी तरह से ब्रेस्ट फीड ही कराना है। किस तरह से कराना है आपको, हर 2-2 घंटे में बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है। अगर बेबी ने 2 घंटे हो गए बेबी नहीं डिमांड कर रहा तो आपको खुद से उसको ब्रेस्ट फीड कराना है। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जैसे रात को 11 बजे सो गया या 10 बजे सो गया और वो सुबह 6 बजे जग रहा है, तो आपको इतना लंबा गेप नहीं देना है। 5 घंटे का गेप आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो जैसे 11 बजे सो गया तो आपको 3 या 4 बजे का आप अलार्म सेट कर लीजिए और बेबी को उठ को आप अच्छे से 15 मिनट एक ब्रेस्ट आप अच्छे से उसको ब्रेस्ट फीड कराइए। उसका पेट भर जाएगा तो फिर गहरी नींद लेके अच्छे से सो जाएगा। और दिन में तो आपको क्या करना है, हर 2-2 घंटे के गैप में बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते रहना है। और इसके साथ साथ जो मतलब मम्मी लोग हैं वो जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं उनको अपने डाइट का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा कुछ बाहर की चीज़ नहीं ले रहा है, वो कम्प्लीटली मदर मिल्क पर डिपेंडेंट है। तो आपको जितनी भी विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिशन वाली प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है, फैट वाली चीज़ें खानी है, घी खाना है, पंजीरी खानी है, लड्डू खाने हैं, कैल्शियम आयरन की टेबलेट लेनी है, मतलब आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है। अगर आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे तो बच्चे को उसी तरह का अच्छी क्वालिटी का ब्रेस्ट मिल्क तो की क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी होती है, बट अगर आप अच्छा खान पान लेंगे तो बेबी को और अच्छी क्वालिटी का मिल्क मिल पाएगा और उसका जो वेट गेन है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो आपको उसको टाइम टू टाइम फीड कराना है हर 2-2 घंटे में। 0 to 3 मंथ तक तो आपको हर 2 घंटे में अगर बेबी नहीं भी डिमांड कर रहा है तो आपको उसको उठा के उसको फीड कराना है। फीड लेने के बाद वो अगर चिड़चिड़ भी करा तो तुरंत अच्छे से नैप ले लेगा। अगर आपका बेबी 3 मंथ प्लस है तो आप उसको 3-3 घंटे में भी ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं। इस तरह से अगर आप उसको ब्रेस्ट फीड कराती रहेंगी तो आपके बेबी का डेफिनेटली वेट गेन होगा। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि आप अपने खुद के खान पान का ध्यान रखिए। एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है, बच्चे को फीवर आ जाता है, बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं ले पा रहा है, बच्चा अच्छे से नहीं ब्रेस्ट फीड ले पा रहा है, तब आपको क्या करना है, उस केस में आप ब्रेस्ट पंप का यूज़ कर सकते हैं। आप बेबी को एक्सप्रेस करके मिल्क दीजिए, ब्रेस्ट मिल्क, पर आप बेबी को मिल्क किसी भी कंडीशन में टाइम टू टाइम पिलाते रहिए। किसी रीज़न से अगर आप बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं दे पा रहे तो आप उसको फार्मूला मिल्क दीजिए। फार्मूला मिल्क के केस में भी आपको सेम चीज़ करनी है, उसको भी आपको हर 2-2 घंटे के गैप में बेबी को देना है। 90 ml जैसा भी आप बना के 90 ml 2-2 घंटे के गैप में दे सकते हैं। बेबी 90 नहीं ले रहा है तो आप 60 ml दूध बना के उसको हर 2-2 घंटे के गैप में दे सकते हैं। रात में आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 घंटे का गैप कर सकते हैं। 6 घंटे 7 घंटे बच्चे को खाली पेट नहीं रखना है, इससे बच्चे को कोलिक प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी समस्या होने की वजह से बच्चे का वेट गेन नहीं हो पाता है। तो ये रूटीन आपको सेट कर लेना है और हर 2-2 आवर्स में, वैसे तो आपको कोशिश करनी है कि आप ब्रेस्ट फीड कराएं। अगर आप किसी रीज़न से नहीं करा पा रहे तो आपको फॉर्मूला फीड देना है, वो भी 2-2 आवर्स में आपको देना है। और आपको काउ मिल्क और बफेलो मिल्क नहीं देना है, इससे क्या होगा आपके बेबी का वेट गेन नहीं हो। वेट गेन अगर हो भी गया तो उसको आगे चल के किसी भी तरह के स्टमक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी कि आप 6 महीने तक बच्चे को काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, या आपको लग रहा है कि बेबी के लिप्स सूख रहे हैं तो पानी दें, ये सब चीज़ें नहीं देनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराना है, नहीं करा पा रहे तो फॉर्मूला फीड देना है और आपको अपनी डाइट का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके साथ साथ और हम भी बात कर लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चों का वेट नहीं बढ़ पाता है, उनको फीवर आ रहा है, कोलिक की प्रॉब्लम है, या बच्चों को लूज मोशन ज़्यादा हो रहे हैं, या बच्चा प्रॉपरली फीड ले रहा है उसके बाद भी उसका वेट नहीं बढ़ पा रहा है। तो इस केस में आपको बिगर देरी करे डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए, डॉक्टर का एडवाइस लेना चाहिए। डॉक्टर आपको बेहतर बता पाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बेबी प्रॉपर फीड के बाद भी अगर बेबी का वेट नहीं गेन हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बच्चे का बर्थ वेट मान लो 3 kg है तो 5 महीने में उसका वजन डबल हो जाना चाहिए। 3 kg था तो 6 kg हो जाना चाहिए,
4 kg था तो 8 kg हो जाना चाहिए। अगर इतना है और बच्चा प्रॉपरली दिन में 6 से 7 बार टॉयलेट कर रहा है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बेबी का वेट गेन सही हो रहा है। आप ये सारी टिप्स को अपनाइए 0 to 6 मंथ के बेबी अगर आपका है तो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपने अगर इस चीज़ को फॉलो किया है तो आपके बेबी का वेट गेन में क्या इम्प्रूवमेंट आया, और होगा कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ज़रूर बताऊँगी। बाय बाय मम्मीज।